डालमिया हाउस में हुए पेड़ कटान मामले में शुक्रवार को ब्रजमंडल क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने वृक्ष कटान स्थल डालमिया फार्म हाउस पर रोष प्रकट किया। ब्रजमंडल क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिकरवार के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। मुकेश सिकरवार ने कहा कि वृक्ष कटान में हजारों पक्षियों का आवास उजड़ गया। इतने ही भीषण कटान में कोई भी जनप्रतिनिधि कटान स्थल पर नहीं पहुंचा है। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की भी मिलीभगत इसमें नजर आ रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो उनका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। दोषियों को बचने नहीं दिया जाएगा, चाहे सीबीआई की मांग ही क्यों न करनी पड़े। इस मौके पर क्षत्रिय महासभा विधानसभा अध्यक्ष विजय सिंह, दिवाकर सिंह प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर जगदीश सिंह, नेत्रपाल प्रधान, लाल सिंह, चंद्रभान फौजी, पालेंद्र पहलवान, गौरव सिसोदिया, विष्णु सिसोदिया आदि लोग मौजूद रहे। आज हम लोग छठीग्रा वृंदावन रोड पर जो एक हफ्ते पहले हमारी ब्रज की धरोहर वृक्ष है और सैकड़ों साल क्या हजारों साल पुराने वृक्ष यहाँ इसमें डालमिया फार्म हाउस में हजारों की संख्या में वृक्ष लगे हुए थे, खड़े हुए थे, उनको अभी भूमाफियाओं के द्वारा एक शंकर सेठ है और तमाम उनके सहयोगियों के द्वारा रात के 12 बजे हरे वृक्ष को काटा गया। इसमें सैकड़ों मशीन, जेसीबी, ऑफलैन और हजारों की संख्या में लोगों ने उत्पात मचाया और वृक्षों को काट के गिरा दिया। इसमें हजारों की संख्या में हमारे जो पशु पक्षी जो राजकीय मोर है, वो मोर, कबूतर, जितने भी चिड़िया सब लोग अपने घोंसला बना करके यहाँ रहते थे, उनको सबको मारा गया और पूरा उत्पात मचा करके यहाँ इसको नष्ट किया गया है। हम आज ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडल यहाँ आकर के देखा है तो निश्चित रूप से हमको लग रहा है कि इसमें जो प्रदेश में सरकार है उसके जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो एक भी आज तक इस घटना स्थल पर देखने के लिए नहीं आया है। तो उजगर सी बात है, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं होकर के इस कृत्य में, इस बड़ी घटना में ये लोग सम्मिलित हैं और भूमाफियाओं को, बड़े उद्योगपतियों को बचाने का काम कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं जो इसमें दोषी हैं वो निश्चित रूप से जेल जाएं, जो उन्होंने ये काम किया है, और अभी अगर इस पर कार्रवाई ठीक से नहीं होती है तो निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से इस प्रकरण को लेकर के मुलाकात करेगा और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हम लोग करा के रहेंगे। इसमें दोषियों को कहीं भी कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसमें सीबीआई की मांग हमें करनी पड़े, चाहे उच्च अधिकारियों के द्वारा मांग करनी पड़े, इसमें निश्चित रूप से मांग करके इस प्रकरण को, इसमें दोषी हैं वो निश्चित रूप से उनको दंडित किया जाए।